क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पुलवामा हमले को हुए 4 साल, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शहीदों को किया नमन। पटना में जेएपी प्रमुख पप्पू यादव का काफिला हुआ हादसे का शिकार, हादसे में बाल बाल बचे पप्पू यादव। नालंदा में आईजी विकास वैभव पर हुई आपत्तिजनक टिप्पणी, एडीजी शोभा हतोकर ने आईजी को कहा अपशब्द। भागलपुर में वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2023 की हुई शुरुआत, शहर में बनाए गए 41 परीक्षा केंद्र। कैमूर में धान चोरी मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। पुलवामा हमले को आज 4 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसको लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए शहीदों को कोटि कोटि नमन किया है। पटना में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव का काफिला एक भीषण हादसे का शिकार हो गया। बता दें कि पप्पू यादव अपने काफिले के साथ मुबारकपुर कांड के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, तभी वहां से वापस लौटते समय एक ट्रक ने उनके काफिले को ओवरटेक कर दिया और अनियंत्रित होकर काफिले में शामिल गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस टक्कर से एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस भीषण सड़क हादसे में एजेपी के प्रमुख पप्पू यादव बाल बाल बच गए, लेकिन उनके काफिले के साथ चल रहे कई नेता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं शुक्रगुजार हूं ईश्वर का कि हम सब लोग सुरक्षित हैं। छपरा की घटना के बाद बक्सर निजी कार्यक्रम परमानंद जी जो उपाध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे थे, उनके बच्चे की शादी और एक घटना घटी थी, जिसमें हम आरा के जिला अध्यक्ष हमारे नेता बाबा जी और हमारे जिला अध्यक्ष बक्सर सभी गाड़ियों के साथ आ रहे थे, जिसमें कोई एक ओवरलोड ट्रक लगातार ओवरटेक करने के कारण हमारे गार्ड को उससे बचाना पड़ा, और गार्ड यदि नहीं होती तो घटना बड़ी घट सकती थी। 11 लोग लगभग घायल हैं। जिला अध्यक्ष सुनील जी के साथ दिनेश जी और अन्य लोगों के हाथ टूट चुके, किसी के सीने पर बहुत चोट है, किसी के पीठ पे बहुत चोट है, और 2 BMP के गार्ड को चोट है, हमारे एक स्कॉट ड्राइवर को बहुत ज्यादा माथे में चोट है। नालंदा में आईजी विकास वैभव को अपशब्द बोले जाने के खिलाफ जहां प्रदेश के कई इलाकों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कौशलेंद्र कुमार के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से हाथों में गुलाब लेकर गांधीगिरी दिखाते हुए अपशब्द बोले जाने के खिलाफ अपना विरोध जताया। नेताओं ने कहा कि विकास वैभव पर एक ईमानदार पुलिस पदाधिकारी हैं और डीजीपी शोभा होतकार ने उनका नहीं बल्कि बिहार वासियों का अपमान किया गया है। आज हम लोग विकास वैभव जी के साथ जो गाली गलौज हुआ उसी के विरुद्ध हम लोग है, जो कि जो अपने हाथ में गुलाब का फूल लेके हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि शोभा होतकर जी आप सुन लीजिए, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं जो देश और दुनिया में यहाँ ज्ञान और प्रेम का संदेश दिया है, हम लोग गाली गलौज देने वाले नहीं हैं, हम लोग गाली गलौज देने वाले का भी वेलकम गुलाब से करते हैं, इसीलिए हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भागलपुर में बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 प्रारंभ हो गई है। इस बार परीक्षा में 16,037 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, तो वहीं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड में पूरे सूबे में 1500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही भागलपुर जिले के 57 केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें 48,784 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। बता दें कि भागलपुर शहर के शहरी क्षेत्र में 41 केंद्र बनाए गए हैं, सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। साथ ही हर केंद्र पर 144 की धारा लगाई गई है। नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र में इलाके के पावर हाउस के पास शराब से भरी टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें टेम्पो पर लोड शराब रास्ते पर बिखर गई। रास्ते पर शराब बिखरा हुआ देख लोग पुलिस को सूचना देने की जगह शराब लूटने में जुट गए, तो वहीं थाने से महज कुछ ही दूरी पर घटना होने के चलते पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। दारू लदे हुए आ रहा था, जिसमें पेट्रोल पंप के पहले नहीं पेट्रोल पंप के बाद में अनियंत्रित होकर के टेम्पू गाड़ी पलटी मार दी, उसमें शराब लदे हुए था। कुछ देर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस अपना कब्जे में ले ली। कुछ ग्राम द्वारा कुछ लूटपाट किया गया शराब का। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर कैमूर से है, जहां कई जगहों पर हुए गोदाम में धान चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी एसपी ललित मोहन शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी। मामले के संबंध में एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि धान चोरी के मामले में 4 थानों में अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे, जिसके बाद शामिल संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को यूपी के चंदौली जिले से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 142 बोरा धान, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और एक पिकअप वैन बरामद किया है। ये लोग आते थे रात में, पहले रेकी कर लेते थे, उसके बाद फिर ये लोग अपने एक पिकअप वैन से शटर को बांध के तोड़ दिया करते थे। धान पूरा पर ले जाकर फिर यूपी में एक कांग्रेसी सिंह है, उसके बड़ा व्यापारी है, उसके ही गोदाम में छिपा कर रखा करते थे। इनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई, पूछताछ के आलोक में कांग्रेसी सिंह के बयान ये गोदाम में छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में वो तो फरार पाया गया, लेकिन उसके गोदाम से करीब 142 बोरा धान बरामद किया गया। करीब 500 खाली बोरा भी उसके पास रखा हुआ था। धान तोलने की मशीन इत्यादि कई चीज़ें बरामद हुई हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर में एनटीपीसी कहलगांव पावर प्लांट के राख में ग्रामीणों को अब तक कोई राहत नहीं मिली है। आंदोलन के दौरान एनटीपीसी के अधिकारियों ने समस्या दूर करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी भी समस्या जस की तस बनी हुई है। बता दें कि राख उड़कर घरों में जा रही है, जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है और जिम्मेदार इसके लिए कोई इंतजाम नहीं कर रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ बाल पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको